बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 3 लॉगरिथम। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 में आज पार्ट 5 हम शुरू कर रहे हैं। पार्ट 5 आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। चलो लेट मैं x के इक्वल ले रहा हूँ। सो लेट x इज इक्वल टू 7.8.4 क्यूब, ठीक है, रेस टू पावर 3 है, और इस स्क्वायर रूट को मैं रेस टू पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज 142.3 रेस टू पावर, ये स्क्वेयर रूट है, तो स्क्वेयर रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास फोर्थ रूट है, सो मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 0.1562 रेस टू पावर, यहाँ पे फोर्थ तो 1/4 लिखेंगे, ठीक है। जब कुछ भी ना हो तो उसको हम 1/2 लिखते हैं। जब यहाँ पे आप लोगों को ये गेवन हो तो इंडेक्स आप इसको 1/4, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स 4 गेवन है, सो इसको हम 1/4 लिखते हैं, ठीक है। सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स means log of x is equal to log of the pura term, ठीक है। so means आप लोगों का ये हो जाएगा, that is 7.8.14 raised to power 3 into 142.3 रेस टू पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 0.1562 रेस टू पावर 1/4, ठीक है। अब लॉग रूल्स इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो लॉग रूल्स आप लोगों का पावर जो है वो बेस में आएगा, ठीक है। मीन्स इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3 लॉग, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ रहा है अभी। 7.8.41, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस अब 1/2 आप नीचे शिफ्ट कर दे, 1/2, ठीक है, पावर आप लोगों के पास कोएफिशिएंट में आ जाएगा, एंड लॉग दैट इज 142.3, और जो आप लोगों का डिनोमिनेटर में है वो माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये पावर भी आप लोगों का कोएफिशिएंट में आ जाएगा 1/4, ठीक है, और लॉग 0.1562, ठीक है। तो इस पर हम बार बार क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ये रूल अप्लाई कर चुका हूँ। चलो दोबारा बता देता हूँ, पावर आप लोगों का जिस तरह हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ एक्स रेस टू पावर एन, तो ये पावर आप लोगों का बेस में आता है, ठीक है, कोएफिशिएंट बन जाता है और लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये रूल आप लोग पावर में यूज करते हैं, ठीक है। सो 3 बेस में आ रहे हैं, इसी तरह 1/2 बेस में आ रहे हैं, और इस तरह 1/4 बेस में आ रहे हैं। इसके अलावा एक और रूल हम पढ़ चुके हैं कि जब लॉग दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, एम एन टू एन, तो अब अगर आप इसको अलहदा अलहदा लिख रहे हो, लॉग एम ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग एन, ठीक है, और एग्जैक्टली उसी तरह आप लोगों ने अगर डिवीजन में तो ये प्लस के बजाय फिर माइनस होगा, जिस तरह ये डिवीजन का उसको हमने माइनस कर दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई पर हमने उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम इस पर लॉग अप्लाई करते हैं। सो चलो फर्स्ट मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ कि लॉग एक्स विल बी इक्वल टू 3 अपनी जगह पे आ रहे, और यहाँ पे हम चलो करेक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं। सो रेफरेंस पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे पड़ेगा 7 और 8 के दरमियान, और इन रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान आप लोगों का एक डिजिट है, दैट इज 8, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, +1, ठीक है, +1, और मेंटेसा हम लॉग टेबल से मालूम करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सो ये 7 3 भी मल्टीप्लाई होगा, +1/2, और इसका आप लोग चेक करें तो इसका करेक्टरिस्टिक आप लोगों का +2 बन रहा है, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान दो डिजिट है 4 और 2, ठीक है। सो इसलिए ये +2 आ रहा है,
है, और प्लस मेंटेसा हम लाग टेबल से मालूम कर देंगे। ठीक है, लास्ट आप लोगों का 1/4 और इसका करेस्टिस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो आप लोगों का 1 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान एक ही डिजिट है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान एक ही डिजिट 1 है। ठीक है, तो इसका अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो ये आप लोगों का -1 इसका करेस्टिस्टिक हो जाएगा, और मेंटेसा हम वहाँ से लॉग टेबल से मालूम कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम आते हैं 78, लॉग टेबल निकाल के 78 को 4 कॉलम में मैच करेंगे और डिफरेंसेस फिर 1 में करेंगे। ठीक है, सो 78 आप 4th कॉलम में चेक करें। ठीक है, सो 78 की तरफ आ रहा हूँ, 78 आप लोगों का बन रहा है ये 78। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 आप लोगों का ये बन रहा है। ठीक है, और डिफरेंसेस कॉलम आप लोगों का 1 है। सो जब आप 1 इसके साथ ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 8, 9, 4, 3 + 1, तो ये 4, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 0.8944। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉग हम मालूम कर रहे हैं 14 को सेकंड कॉलम और डिफरेंसेस थर्ड कॉलम में चेक करेंगे। सो अब आप 14 को सेकंड कॉलम, 14 आप लोगों का ये और सेकंड 2 ये आप लोगों का रहे 15, 23। ठीक है, और डिफरेंसेस कॉलम थर्ड मीन्स आप लोगों का 3 ये आ रहे। ठीक है, इस लाइन में आप लोगों ने सीधा आना होगा, ना कि ये नीचे वाला। ठीक है, अब ये दोनों 9, 9 है लेकिन कभी कभार ये आप, ठीक है, सो यहाँ पे ये 15, 2, 3 और +9, तो आप लोगों का ये बन जाएगा 9। अगर आप 23 के साथ ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 32, 15, 32। ठीक है, सो मीन्स 0.15 मीन्स 1532। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसको चेक करते हैं। सो इसको हम करेंगे 15 को पहले 6 कॉलम में चेक करेंगे और फिर डिफरेंसेस 2 में। सो 15 को अब आप 6 में चेक करें। ठीक है, सो 15 आप लोगों का ये आ रहा है और इसको 6 कॉलम आप लोगों का ये आ रहा है, सो दैट इज 1931। और सेकेंड कॉलम डिफरेंसेस के सेकेंड कॉलम में, सो ये नीचे आप लोगों ने चेक करना होगा क्योंकि ये नीचे है तो नीचे वाला, ठीक है, ऊपर को नहीं। सो 6 आप ऐड करें सो दैट विल बी 1937, सो दैट इज 0.1937। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें मीन्स आप लोगों के पास यहाँ से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1.8944 +1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा 2.1532। ठीक है, जबकि लास्ट आप लोगों के पास 1 -1 डिवाइडेड बाई 4, और आप इसको 1 माइनस ये करें। ठीक है, सो मीन्स आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा -0. ठीक है, सो 10 से आप 7 सबट्रैक्ट करें दैट विल बी इक्वल टू 3। इसी तरह 9 - 3 दैट इज 6, और 9 - 9 = 0, और 9 - 1 दैट इज 8। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास यहाँ से रिजल्ट आ रहा है। अब अगर आप इसको लॉग कैलकुलेटर से चेक करोगे तो एग्जैक्टली लॉग 78 का आंसर यही आएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम दूसरे क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसी तरह लॉग 142.3 का लॉग आप लोगों के पास एग्जैक्टली कैलकुलेटर से यही आएगा, और एग्जैक्टली आप लोगों के पास इसका 0.1562 का लॉग आप लोगों के पास यही आएगा। मैंने चेक किया हुआ है, आप भी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो मींस अगर आप 1.8944 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएगा दैट इज 5.6832। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म को आप लोगों ने 2 पे डिवाइड करना होगा। ठीक है, जब आप इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं सो द रिजल्ट विल बी 1.0766। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दैट विल बी प्लस, और 0.8063 अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास रिजल्ट आएगा दैट इज 0.201575। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट पॉइंट के बाद 4 डिजिट आते हैं, सो ये 7 को हम ख़त्म करेंगे क्योंकि 7 5 से ज़्यादा है, तो इस 5 के साथ आप एक ऐड करोगे सो दैट विल बी बिकम 6। सो इसको मैं लिख रहा हूँ 0.2056।
16, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, तो जब आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे सो यू विल गेट 6.9614। अब चूंकि हमें x चाहिए तो इस लॉग को हमने ख़त्म करना होगा। लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, एंटी लॉग ले रहा हूँ। तो एंटी तो ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल एंड एक्स विल बी इक्वल टू एंटी लॉग तो फिलहाल आप इस करेक्टरिस्टिक को छोड़ दें और मैंटेसा को आप लोग एंटी लॉग में चेक करें, ठीक है। सो मैं एंटी लॉग टेबल की तरफ जा रहा हूँ, याद रहे कि आप लोग का ये एंटी लॉग हो, ठीक है। एंटी लॉग टेबल है आप लोगों के पास और 96 को फर्स्ट कॉलम में चेक करें, 96 आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 96 फर्स्ट कॉलम आप लोगों का ये आ रहा है, मींस 9141, ठीक है। और आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो 4 डिफरेंसेस कॉलम 4, 4 पे आप लोग आ जाए तो 4 आप लोगों का 3 और ये 4 8, सो आप 8 8 करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 9091 4, ये 8 8 करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। सो 9149, ठीक है, लोगों का यहाँ पे आ रहे हैं 9149, ठीक है। अब चूंकि आप लोगों का यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये बन जाएगा और करेक्टरिस्टिक आप लोगों का 6 है, तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान आप लोगों के पास 6 डिजिट होनी चाहिए। तो 3 तो ऑलरेडी ये है, तो हम अपनी तरफ से जीरोज ऐड कर देते हैं 6 डिजिट बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे से चेक करें 3 ये आ रहे, 3 जीरोज आ रहे और यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉग टेबल और एंटी लॉग आप लोगों के पास 4 डिजिट के होते हैं, तो आप लोगों के पास ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये जीरो जीरो अगर आप इसको एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेटर से, तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू रिजल्ट इसका और आएगा। इस ये लॉग के आप लोगों के पास ड्रॉबैक है कि अगर आप लोगों के पास बड़ा नंबर हो, 4 डिजिट से ज़्यादा हो, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू से अगर आप लोग कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस। चलो कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट वैल्यू मालूम करते हैं विदाउट लॉग, ठीक है। सो चलो फर्स्ट मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास है ये 1.1562 रूट, सो रेज टू पावर मीन्स इसको मैं लिख रहा हूँ 1/4, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहे ये, ठीक है। अब इसको मैं चूंकि डिनोमिनेटर में तो 1 ओवर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/2, तो इससे आप लोगों के पास रिजल्ट ये आ रहा है। अब बाकी इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 78.41 रेस टू पावर 3, ठीक है। सो आप लोगों के पास इससे रिजल्ट ये आ रहा है। अब मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट आप लोगों के पास मीन्स 142.3 का स्क्वेयर रूट आप लोगों का ये आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो आप लोगों के पास रिजल्ट ये आएगा, मीन्स आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है 9191476, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा था, ठीक है। ये 4 डिजिट तक आप लोगों का, चूंकि लॉग टेबल 4 डिजिट तक होता है, इसलिए अगर लॉग का ये ड्रॉबैक है कि अगर आप लोगों के पास डिजिट्स 4 से ज़्यादा हो तो फिर उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।